की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बहुत ही एक मजेदार सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमें मोस्टली लोगों को ऑफिस में यूज होता है, मोस्टली लोगों को, काफी लोगों ने मुझे इसके सवाल पूछा हुआ है। तो क्या है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ये है हमारे पास कि हमारे पास एक ड्राइव है, ड्राइव के अंदर फोल्डर है, फोल्डर में कई सारे फाइल है। ये फाइल हजारों में हो सकते हैं, ये फाइल लाखों में हो सकते हैं, या सैकड़ा भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैक्रो बन, मैं चाहता हूं इन सबका डेटा कंबाइन करना। इन सब का डेटा मैं कंबाइन करना चाहता हूं। कैसे कंबाइन करेंगे? डेटा के देख लीजिए, एक वन नंबर नाम का फाइल ओपन करता हूं, ये डेटा है। तो डेटा में सिक्वेंसली है, मतलब कि जैसा एक एक सीट है और जो नेम है सिक्वेंस में सिंपल बनाया, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया आपको समझने के लिए। ऐसे 6 सीट है, सारे सीट पे सेम चीज है। तो देखिए, अगर आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है, जैसे एक्सेल 2019, तो इसके लिए वीवीए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां आपके डेटा मेनू बार में ही गेट डेटा का ऑप्शन होता है, फ्रॉम फाइल, नहीं फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर। इस फॉर्म फोल्डर में मैंने उस फोल्डर का पाथ लिया, जो पाथ है इस पाथ को मैं पेस्ट करता हूं। हम दोनों हम आपको अब चीजें बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और इसको ओके कर देता हूं। अब यहां पे लिस्ट ऑफ फाइल्स आ जाएंगे, जितनी भी फाइल का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फाइल आ गया। अब यहां पे कंबाइंड दिख रहा है ना सर, लोड पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा दिख रहा है वही लोड हो जाएगा। मुझे यहां पे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कर लिया, तो यहां पे जितने भी फाइल है उसका लिस्ट आपको दिख जाएगा। अब कोई एक फाइल को सिलेक्ट कीजिए, सीट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, टाइम आपके डेटा पे डिपेंड कर सकता है, कितना बड़ा डेटा हो, ज्यादा बड़ा डेटा होगा ज्यादा टाइम लगाएगा। और सारे फाइल को, सारे डेटा को देखिए इकट्ठा कर दिया इसने, ठीक है सर। लेकिन सोर्स नेम ये क्या बोल रहे हैं, SLXX कैसे ये सोर्स फाइल नेम नेम है में ना, यार? फाइल किस फाइल का डेटा अच्छा है। अब इसी में हम बात कर रहे हैं अगला ऑप्शन कि भाई ये तो हमने कर लिया एक्सेल सीट, एक्सेल से ऑफिस 365 का ऑप्शन है, या फिर ये आपको 16 और 19 में चलता है, पर मेरे पास 7 है, 13 है, 10 है, तो मैं कैसे परफॉर्म करूं? दूसरी चीजें हैं, दूसरी और भी चीजें हैं कि इसमें और भी, जैसे बहुत बड़ा डेटा होगा तो काफी टाइम कंज्यूम करता है, तो जल्दी कैसे हो जाए, समझे? जी और भी बहुत सारे दिखते हैं, तो मैं वीवीए के थ्रू जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें तो सिंपल दिया हुआ है ना सारा। तो यहां पे हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे और इसके लिए लिखेंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि भाई फोल्डर में कितने फाइल है इसका लिस्ट कहां से मिलेगा, समझे? लिस्ट मिल जाएगा तभी तो ओपन करेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है कि भाई हाउ हाउ मेनी फाइल और फाइल के नेम क्या है, कैसे पता चलेगा। तो जी सर इसके लिए हमारे पास एक इस ये होता है DIR फंक्शन होता है कि FN इक्वल टू DIR, ब्रैकेट ओपन किया और इसमें हमने फाइल के पाथ दे दिया, और यहां पे स्टार डॉट XLS स्टार, ठीक है। जी अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि XLS फाइल हो सकती है, XLS X हो सकती है, XLS M हो सकती है, XLS कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारा एक्सेल फाइल होगा।
ठीक है सर। वीवी नॉर्मल क्या है सर? हमने बोला कि नॉर्मल फाइल उठाओ, सिस्टम अच्छा फाइल वगैरह मत उठाना और हिडन वगैरह मत उठाना, समझे? फाइल को हाइड कर देते हैं ना, प्रॉपर्टी में जाके हिडन कर देते हैं, वो हाँ हिडन फाइल नहीं उठाना है। इसमें मैं आ गया आपको। ठीक है सर। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि DIR फंक्शन ने जो लोड किया वो एक नाम लोड करेगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि रेंज 65,000 एक्सेलस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू FL। तो आप रन करेंगे तो सिर्फ एक नाम डालेगा, नीचे लिख ओके दूं एफ एन इक्वल टू DIR ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब एक दूसरा फाइल नेम एफ एन पे स्टोर कर देगा, इसको कॉपी कीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। मैं रन करता हूं, देखिए दो फाइल आएगी, वन एंड टू आ गया ना सर, वो वन वाला दुर्ट हो आ गया सर। तो पहले से एक था। ठीक है, तो जितने आप सर ठीक है। कि जितने फाइल होंगे उतने बार आपको यहां पे इस लाइन को रिपीट करना होगा। सर ठीक ओके अब यहीं पे कंफ्यूजन हो गई, हमें क्या पता है कितना फाइल होगा। जैसे ही फाइल खत्म होगा FN के ऊपर ब्लैंक स्टोर हो जाएगा। DIR फॉर्मूला लोकेशन से सारे फाइल नेम लेती है और अपने पास रख लेती है, लेकिन वो देती वन बाई वन है। ओके और नेक्स्ट टाइम लेने के लिए हमें बस इसको इस तरह से अप्लाई करना होता है, तो नेक्स्ट फाइल नेम दे देती है। जब DIR के पास सारे फाइल नेम खत्म हो जाते हैं तो वो ब्लैंक देता है। यहां पे कंडीशन आ गया है कि हमें लूप तब तक चलाना है जब तक कि हमारा FN के ऊपर वैल्यू ब्लैंक नहीं हो जाती है, वो कंडीशन है। और कंडीशंस के लिए हम यहां पे डू व्हाइल FN इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, राइट सर? जी आगे सारे फाइल नेम हाँ सर ये आ गया। समझ में आ गया आपको। बट हमें तो फाइल के नेम नहीं ले चाहिए, हमें तो इसका डेटा चाहिए ना सर। हाँ सर डेटा चाहिए। नेम वाला सिस्टम में यहां से डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क बुक डॉट ओपन, बुक्स डॉट ओपन, एक मिनट, बुक्स डॉट ओपन। एक छोटा सा दिक्कत है, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, ये तो नेविगेट होगा फाइल। यहाँ पे सेव नहीं किया तो सर फाइल का नेम कैसे होगा? जैसे हमने यहाँ पे कोड डाल के फाइल को ओपन कर लिया कि फाइल ओपन हो जाए इस लोकेशन से, अच्छा जो फाइल ओपन हुआ है वही एक्टिवेट है ना सर। हाँ हम शीट्स वन, पहले वाले शीट्स पे जाते हैं, रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। मैंने पूरा डेटा को कॉपी कर लिया। तो वापस मुझे इस DT फाइल पे आना है ना कॉपी पेस्ट करने के लिए, जी सर तो उसके लिए फाइल नेम पता होना चाहिए ना। बुक वन तो कुछ भी हो सकता है ना सर, सेव की फाइल नहीं होगी तो। देन यहां पे लिखेंगे बुक्स DDT.XLSM.Activate और seeds data dot select। अब यहां रेंज
A1 A65,000 XLS up dot offset 1,0 dot paste station or paste as a value. ठीक है जी सर. और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मुझे फाइल क्लोज करना है इसलिए एस्केप मारना पड़ेगा. क्या होता है जैसे कॉपी कर लिए ना तो कॉपी चलता रहता है ना, करने से हट जाता है, इसी को बोलते हैं कट कॉपी मोड फॉल्स. और फिर जो फाइल हमने एफ एन को ओपन किया है उसको क्लोज भी करना है. तो वर्क बुक्स एफ एन डॉट क्लोज फॉल्स, हमें सेव नहीं करना है क्योंकि हमने डेटा कॉपी किया ना, कुछ एडिट ही किया, गलती से कुछ एडिट हो गया होगा तो सेव ना हो जाएगा, बट डेटा चेंज नहीं होगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ. जब डीडीटी वाला जो वर्कबुक है उसके पहले यानी इसमें पेस्ट करने से पहले जो वर्कबुक खुला है उसका क्या नाम है? उसका नाम तो एफएन के ऊपर स्टोर है ना, डीआईएल फंक्शन इसलिए तो चला है ना सर. तो ये तो डायरेक्टरी है ना कि इस हाँ, तो जो, जो सारे अभी थोड़ा देर पहले हमने जो माइक्रो और रन किया था, जो सारे फाइल के नेम यहाँ पे आ गए थे, वो कहाँ से आया था? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक. तो एफ एन यहाँ पे यूज कर लिया ना हमने. अच्छा ठीक है सर, समझ गया. रन करें इसको. ओके ओके. अब आपको इसमें कुछ चेंजिंग करने हैं इस माइक्रो में, फाइल में आपको भेज देता हूं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि डेटा ही भेजना पड़ेगा ना. इसमें दो चीज है कि ये हेडिंग बार बार आ रही है, इनको डिलीट करना है, और दूसरा किस फाइल से डेटा आया है वो फाइल आपको यहां पर लिखना है, स्टार्टिंग में चाहे शुरू में, जहां लिखना चाहते हो वहां लिख सकते हो. ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक सेकंड ले लेता हूं. सॉरी. ठीक है सर, हो गया. ठीक है सर. ठीक है, ओके. तो प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम. ठीक है सर, ओके.